हेलो दोस्तों, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस न्यू लेसन। तो दोस्तों, इस पर्टिकुलर लेसन में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंग्लिश के एडवांस सेंटेंसेस बताऊंगा। आप लोगों ने सुना होगा इंग्लिश के एडवांस वोकैब्स, बट इन दिस लेसन आई एम गोइंग टू टेल यू एडवांस सेंटेंसेस ऑफ इंग्लिश। कुछ ऐसे सेंटेंसेस जो नॉर्मली लोग गलत बोलते हैं और उनको उसका उनका करेक्ट ट्रांसलेशन नहीं आता है, तो ये जो सेंटेंसेस वो हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिएगा। और किस प्रकार के वीडियोज़ आप चाहते हैं आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, और ये वाला जो वीडियो मैं बना रहा हूँ आपको कैसा लगा ये भी आप ज़रूर बताइएगा। तो कुछ इस प्रकार के सेंटेंस हम लोग देखेंगे, यहाँ आप देख सकते हैं लिखे हुए, जैसे कि वॉट हैज़ इट गॉट टू डू विद दैट, आई वंडर वाई पीपल, हाउ अबाउट एंड वॉट ब्रिंग्स यू हेयर। इन सभी सेंटेंसेस को हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप मेरे बारे में पढ़ सकते हैं इस पर्टिकुलर स्लाइड में से। यहाँ पर ये मैं हूँ और मेरा नाम सेवा सिंगल है। मैंने दोस्तों बीएससी और एमए किया हुआ है और अनअकैडमी पर भी मैं पढ़ाता हूँ। सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दिए हैं। अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट है मेरे किसी भी वीडियो को लेकर तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर आप अनअकैडमी के प्लस में सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो आप मेरा ये रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं, सेवा सिंगल 001। After using this referral code, you will get 10% discount on Unacademy Plus. तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट और एडवांस सेंटेंसेस के बारे में। सबसे पहला सेंटेंस आता है आई वंडर वाई पीपल। जैसे कभी हम लोग हिंदी में बोलते हैं ना, मैं चौंक जाता हूँ या लोग ऐसा क्यों करते हैं, मुझे आश्चर्य होता है लोग ऐसा क्यों करते हैं। तो ऐसे सेंटेंस हम बोलते हैं आई वंडर वाई पीपल। जैसे हम बना सकते हैं सेंटेंस, आई वंडर Why people live in lurch? Leave होता है छोड़ना, lurch होता है बीच में। तो मुझे आश्चर्य होता है लोग बीच में किसी को क्यों छोड़ देते हैं। I wonder why people live in lurch। ऐसे आप sentence बनाइएगा। अगला देखते हैं, I wonder why people sleep late night। मुझे आश्चर्य होता है लोग इतनी रात तक कैसे जाग लेते हैं और इतनी रात को कैसे सोते हैं। कोई 2 बजे सोता है, कोई 3 बजे सोता है। तो I wonder why people sleep at night। अगला वर्ड है डिच। आई वंडर वाई पीपल डिच। वैसे डिच का मतलब होता है गड्ढा, लेकिन यहाँ पर मेरा मतलब है डिच से किसी को किसी रिलेशन में धोखा दे देना या किसी रिलेशन में उसको छोड़ के चला जाना। तो आई वंडर वाई पीपल डिच। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेशन में ज़्यादातर ये होता है वर्ड यूज, डिच। तो आप बोल सकते हैं सेंटेंस को आई वंडर वाई पीपल डिच। तो ऐसा एडवांस तरह के आप स्ट्रक्चर अगर आप बोलेंगे तो डेफिनेटली आपकी लैंग्वेज अल्टीमेट बनेगी। अगला है आई वंडर वाई पीपल अब्यूज ईच अदर। ये भी ये काफ़ी आश्चर्य वाली बात है, पता नहीं लोग एक दूसरे को आपस में ही गाली देते हैं और एक दूसरे को तो कम उनकी फैमिलीज को ज़्यादा देते हैं। तो आई वंडर वाई पीपल अब्यूज ईच अदर्स फैमिली, राइट? आई वंडर वाई पीपल टेक लेकर। ऐसे भी सेंटेंस बना सकते हैं, आखिर लोग लेकर यानी कि शराब क्यों पीते हैं। तो ऐसे आप सेंटेंस अगर आप बनाना स्टार्ट करेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि आपकी जो इंग्लिश है वो एक स्टेप आगे बढ़ चुकी है। तो याद रखिएगा प्लीज आई वंडर वाई पीपल। अगला देखते हैं एडवांस सेंटेंस। अगला है हाउ अबाउट। हाउ अबाउट का मतलब क्या है? हाउ आर यू आप जानते हैं। वैसे हाउ आर यू को कहने के डिफरेंट तरीके के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। उसमें मैंने बताया है कि कितने डिफरेंट तरीके से हम लोग हाउ अबाउट कह सकते हैं। चलिए हाउ आर यू कह सकते हैं। चलिए बात करते हैं हाउ अबाउट का क्या मतलब है। पहले आप ये समझिए, यहाँ पर ये जो अबाउट है यहाँ पर ये प्रीपोजिशन है। तो अगर हम हाउ अबाउट की बात करें तो हाउ अबाउट का हम लोग यूज़ करते हैं किस में, जब हम पूछते हैं ना इसके बारे में क्या ख्याल है तो बोलते हैं हाउ अबाउट। जैसे मैं बोलूँगा मूवी के बारे में आपका क्या ख्याल है, मूवी जाने के बारे में, तो मैं बोलूँगा हाउ अबाउट गोइंग फॉर मूवी, हाउ अबाउट गोइंग फॉर मूवी। ऐसे हम पूछ सकते हैं बताओ कॉफ़ी के बारे में आपका क्या ख्याल है आज, तो हाउ अबाउट कॉफ़ी, हाउ अबाउट कॉफ़ी। अगला आप पूछ सकते हैं हैंग आउट के बारे में क्या ख्याल है। हैंग आउट होता है बाहर जाकर दोस्तों के संग चिल करना, खाना पीना खाना, इसे बोलते हैं हैंग आउट। तो हम बोल सकते हैं हाउ अबाउट हैंगिंग आउट टुडे, हाउ अबाउट हैंगिंग आउट टुडे। या फिर आप अगला सेंटेंस बना सकते हैं स्टडी के बारे में क्या ख्याल है, आज रात पूरी रात पढ़े हम लोग, ऐसे बोलते हैं ना हम लोग। तो ये सब कैसे बोलेंगे इंग्लिश में, आप बोलेंगे हाउ अबाउट स्टडिंग लेट नाइट, हाउ अबाउट स्टडिंग लेट नाइट। तो ये हाउ अबाउट था, इसको आप यूज़ करिएगा, काफ़ी ज़्यादा स्पोकन में बोला जाता है ये। अगला सेंटेंस है हाउ कम इट इज़ पॉसिबल।
हाउ का मिड इस पर्सन मतलब होता है ये चीज कैसे हो सकती है, हम जब चौंक के बोलते हैं, एकदम आश्चर्यचकित होके बोलते हैं अरे ये कैसे हो गया, तो उसे हम बोलेंगे हाउ कम इट इज़ पॉसिबल। जैसे कि आपका दोस्त है जो कभी पास नहीं हुआ, आई मीन बहुत ज़्यादा ही ज़्यादा पढ़ाई में वीक है, और वो टॉप कर जाए आपके स्कूल में या आपके ज़िले में, तो आप बोलेंगे हाउ कम इट इज़ पॉसिबल ही गॉट पास। कैसे बोलेंगे आप, हाउ कम इट इज़ पॉसिबल ही गॉट पास, राइट। कोई बोलता है कि मुझे एक दिन के अंदर स्पोकन इंग्लिश सिखा दो या दो घंटे में इंग्लिश सिखा दो, तो मैं बोलूँगा हाउ कम इट इज़ पॉसिबल, ये तो इम्पॉसिबल है ऑलमोस्ट, तो इसे हम बोलेंगे हाउ कम इट इज़ पॉसिबल। अचानक से कोई आपका दोस्त जो बहुत दूर रहता है आपके सामने आ जाए अचानक से एक ही दिन में, तो आप उसे बोलेंगे अरे यार तुम तो वहाँ रहते थे, तुम यहाँ कैसे आ गए अचानक, तो आप बोलेंगे उसे हाउ कम इट इज़ पॉसिबल। ध्यान दीजिएगा इसमें एक्सप्रेशन बहुत मैटर करते हैं, ये चौंक कर बोलने वाला सेंटेंस है हाउ कम इट इज़ पॉसिबल। अगला देखते हैं, अगला है व्हाट हैज़ इट गॉट टू डू विद दैट। यहाँ पर दो चीज़ पर ध्यान दीजिएगा, इट और दैट, इसको हम बदल सकते हैं। जैसे कभी कभी हम बोलते हैं इसका इससे क्या लेना देना है, इसका इससे क्या कनेक्शन है, तो तब हम बोलते हैं व्हाट हैज इट गॉट टू डू विद दैट। तो यहां पर हम बोलेंगे, जैसे सेंटेंस में बना के बताता हूं, व्हाट हैज लव मैरिज गॉट टू डू, व्हाट हैज लव गॉट टू डू विद मैरिज, व्हाट हैज लव गॉट टू डू विद मैरिज, यानी कि लव का मैरिज से क्या लेना देना है, ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं आप, व्हाट हैज लव गॉट टू डू विद मैरिज। अगला देखते हैं, वॉट हैज एजुकेशन गॉट टू डू विद मैनर्स। अब कोई अगर एजुकेटेड है तो ये तो पक्का नहीं कि उसके अंदर मैनर्स होंगे ही होंगे, या कोई अगर अनएजुकेटेड है तो ऐसा जरूरी नहीं कि उसके अंदर मैनर्स नहीं होंगे, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि एजुकेशन का मैनर्स होने या ना होने से क्या लेना देना, तो इससे हम बोलेंगे इंग्लिश में वॉट हैज एजुकेशन गॉट टू डू विद मैनर्स, वॉट हैज एजुकेशन गॉट टू डू विद मैनर्स, राइट। चलिए अगला देखते हैं, वॉट हैज साइंस गॉट टू डू विद हिंदी। साइंस से मेरा मतलब है सब्जेक्ट, साइंस का हिंदी से क्या लेना देना। कुछ लोग कहते हैं कि मेरे पास हिंदी रही है शुरू से तो मुझे साइंस नहीं आती है, तो हम बोल सकते हैं भाई साइंस तो सबको आनी चाहिए, बेसिक साइंस सबको आनी चाहिए, तो हम बोलेंगे वॉट हैज साइंस सब्जेक्ट गॉट टू डू विद हिंदी, राइट। तो ये याद रखिएगा, पाकिस्तान कंटिन्यूसली डिमांड करता है कि कहता है कि जम्मू कश्मीर उसका है, तो हम यहाँ पर सेंटेंस बना सकते हैं जम्मू कश्मीर जो कि अब एक यूटी बन चुका है, तो हम बोलेंगे व्हाट हैज पाकिस्तान गॉट टू डू विद जम्मू एंड कश्मीर, व्हाट हैज पाकिस्तान गॉट टू डू विद जम्मू एंड कश्मीर, पाकिस्तान का जम्मू एंड कश्मीर से क्या लेना देना। तो दोस्तों इस प्रकार से आप इसका यूज़ कर सकते हैं, लोग मोस्टली ऐसे सेंटेंस को गलत बनाते हैं, लेकिन अब आपने सीख लिया है, आप सही बनाइएगा और औरों को भी बताइएगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। अगला देखते हैं, अगला है व्हाट ब्रिंग्स यू हेयर, इसका मतलब क्या है। कभी हम बोलते हैं ना अरे आप यहां कैसे आ गए एकदम से, तो हम बोलेंगे व्हाट ब्रिंग्स यू हेयर। तो दोस्तों दैट्स ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो, इसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट और एडवांस स्ट्रक्चर देखे इंग्लिश के, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, इससे फर्दर अगर मैं कोई और वीडियो ऐड करूंगा तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।